नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के सख्त आदेश के बाद दो महीने से नवनियुक्त आए हुए वाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनवान ने वाड़ी के अवैध धंधों पर लगाम कसी। इस संदर्भ में माजी सैनिक और सीनियर सिटीजन द्वारा वाड़ी पीआई प्रदीप रायनवान और क्राइम पीआई विनोद गोडबोले का स्वागत किया गया। साथ ही वाड़ी में बढ़ाए गए गश्त के संदर्भ में पीआई का आभार व्यक्त किया। सीनियर सिटीजन ने वाड़ी पीआई से बैठक कर अनेक मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद बढ़ती दुर्घटनाओं को देख अमरावती महामार्ग पर फलक लगाने की मांग की गई। वाड़ी हद में अमरावती महामार्ग पर नए पुलिये का निर्माण हो रहा है। इस संदर्भ में यातायात ना बढ़े और किसी की जीवनी ना हो, इसलिए माजी सैनिक और सीनियर सिटीजन ने वाड़ी पीआई प्रदीप रायनवान को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। इस दौरान वाड़ी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनवान, पुलिस निरीक्षक विनोद गोडबोले, अध्यक्ष बीडी शरणागत, पी जाधव, डीवाई कटरे, पी विट्ठल राव, एनबी लांजेवार, एस एन द्विवेदी, एम आर परमार, आर डाकड़े, ए जी सांगोले के मोड़क, श्यामलाल सकलानी, वी एस कुशवा, पी आर खोगले, एस पी वानखेड़े, डी वी डोबले प्रमुखता से उपस्थित थे। गाड़ी इधे अमरावती रोड हाईवे वर जो उड़ान पुल होता है त्यामुळे यातायात की फार गर्दी झालेली आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा अपघात होऊ शकते, तर तो अपघात होऊ नये आणि येणाऱ्या जाणाऱ्यांची सुरक्षा झालेली पाहिजे अशा बद्दल आम्ही त्यांना निवेदन दिलं। ये जो अभी हमारा हाईवे ब्रिज बन रहा है उसमें यातायात में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उस यातायात को कंट्रोल करें और उसके यातायात के आगे राइट लेफ्ट में थोड़े से फलक लगाए और मतलब जिससे कि मतलब लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए और हम लोगों को भी परेशानी होना चाहिए, और अगर हमको किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो हमारी मदद करेंगे और हमारे लायक जो सेवा होगी वो पुलिस स्टेशन को हम सहयोग करेंगे। सैनिक संस्था है, वो हम लोग एक दूसरे से मिलकर के सभी का जो भी सामाजिक कार्य होता है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।